हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक एम्पियर में वाट पता करना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए, 100% आप समझ पाएंगे। दोस्तों, आपने वीडियो तो काफ़ी सारी देखी होगी अभी तक कि आप नहीं समझ पाए, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक के देख लेंगे तो 100% आप समझ पाएंगे। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि 184 वोल्ट होते हैं, 184 वाट होते हैं, बहुत से लोग 200 वाट करते हैं। तो हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाले हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं होगी। दोस्तों, हम आपको लास्ट में एक एप्लीकेशन भी बताएंगे और एक वेबसाइट भी बताएंगे, वहां पे आसानी से जाके खुद चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो फेक लगे, खुद पे खुद आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है इसरार, आप देख रहे हैं टेक मिनी प्रोजेक्ट चैनल। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, यहाँ पे हमने इसमें सारा कुछ लिख के रख लिया है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, करंट को मापने की इकाई को एम्पियर कहा जाता है। मतलब दोस्तों, जैसे कोई लिक्विड वाली चीज़ है या वाटर है, हम उसको लीटर के हिसाब से नापते हैं, या कोई सूखी चीज़ है, हम उसको किलो में तौलते हैं। तो वही चीज़ देखिए, करंट को नापने के लिए इकाई को एम्पियर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा, अब दोस्तों 250 वाट में एक एम्पियर होता है। तो दोस्तों, ये हमने इसलिए लिखा है कि आप एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब दोस्तों, 250 वाट में भी और इससे कम ज़्यादा में भी एक एम्पियर होता है। और यहाँ पे देखिए, जब एक एम्पियर होता है तो यहाँ पर, यानी एक एम्पियर में 250 वाट होते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, 250 वोल्ट और 250 वाट, तो यहाँ पे निकल के आएगा एक एम्पियर। अब यहाँ पे एक एम्पियर में देखिए 250 वाट होते हैं, यहाँ पे आप ये समझ गए। अब दोस्तों, ऐसा ही अगर वाट दुगना हो जाए और वोल्ट सेम रहता है, तब एम्पियर दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जो मेरे घर पर वोल्ट आ रहे हैं, 250 वोल्ट आ रहे हैं, और यहाँ पे हमने लोड ज़्यादा लगा दिया है, 250 वाट, तो यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर हो गया है। अब दोस्तों, 2 एम्पियर में 500 वाट होते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको एनर्जी मीटर के थ्रू समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको आपको सही से समझ लेना है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एनर्जी मीटर है, और यहाँ पर देखिए, अभी जो मेरे पास वोल्ट आ रहे हैं, 258 वोल्ट आ रहे हैं, जो मेरे घर पर वोल्ट आ रहे हैं, 258 वोल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों, हमको जो लोड देना है, 258 ही का लोड देना है, यहाँ पे एक एम्पियर निकल के आएगा। और एक एम्पियर से जो होगा हमारा वाट, यहाँ पे देखिए, जैसे 258, तो 258 यहाँ पे वाट आएंगे, तो यानी एक एम्पियर में 258 वाट होते हैं। तो आप ये चीज़ समझ गए। और यहाँ पे जब एक एम्पियर में 258, बहुत से घरों पर ये होता है कि 230 वोल्ट आते हैं, और कुछ घरों में 200 खाली वोल्ट आता है। तो यहाँ पे ये नहीं डिपेंड करेगा कि आप 258 वाट, एक एम्पियर में 258 वाट होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं ना। आपके घर पर जो लोड आ रहा है, जो वोल्ट आ रहे हैं, मतलब जो भी वोल्ट आ रहे हैं, जैसे 200 वोल्ट या 250 वोल्ट या 230 वोल्ट, जो भी लोड आ रहा है, तो वही हिसाब से आपको सेम वाट रखना है, तो उसका एक एम्पियर बनेगा। वही एक एम्पियर में ये मालूम पड़ जाएगा कि एक एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो यहाँ पे जितने वाट आएंगे, तो एक यहाँ पे दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे उतने ही वाट में एनी हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों, ये मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, और अभी हम इसको जब जलाएंगे, तो यहाँ पे एम्पियर कुछ आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वाट है, तो यहाँ पे वाट भी 100 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें 2 बल्ब लगा देने हैं, या जो है 2 बल्ब लगाने के बाद कोई 50 वाट या 60 वाट की चीज़ और लगा दे दी है, सेम दोस्तों एक एम्पियर आ जाएगा। और वही एक एम्पियर के अंदर जो वाट होंगे, यानी 258 वाट होंगे, यानी जो भी आप वाट यहाँ पे लगाएंगे, और जैसे 230 वोल्ट हैं, तो 230 वोल्ट का वाट की चीज़ आपको चलानी है, तो जो एक एम्पियर आ जाएगा एक एम्पियर में। इस तरीके से आप पता चल जाएगा कि एक एम्पियर में कितने वाट होते होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि एक एम्पियर के अंदर कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो फेक लग रही है, हम आपको एक एप्लीकेशन भी बता दे रहे हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, और एक वेबसाइट भी बता दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको कोई सा भी एक मोबाइल ले लेना है, फिर उसके बाद आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है वाट कैलकुलेटर। जी देखिए, जब आप ये वाट कैलकुलेटर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, आप इससे खुद पे खुद पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगा कर रखा हुआ था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन आपको मिलेंगे, वाट हावर कैलकुलेटर और यहाँ पे वाट वोल्ट एम्पियर कैलकुलेटर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ चेक करना चाहते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद या वोल्टेज या वाट या एम्पियर आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे एम्पियर लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 258 जो देखिए 258 जो वोल्ट आ रहे हैं, ये देखिए 258 जो वोल्ट आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे वोल्ट डाल दे रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम 200, तो देखिए 258 वोल्ट डाल दिया है। अब हमको सेम वाट भी रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने वाट डाला, यहाँ पे कैलकुलेट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसको थोड़ा सा बाइक करें, ये देखिए 1 एम्पियर, आपने देखा ये 1 एम्पियर हो चुका है। अब दोस्तों अब आप यहां से बात ये भी समझ सकते हैं कि 1 एम्पियर में 258 वाट होते हैं या 1 एम्पियर में 258 वोल्ट भी होते हैं। तो यहां से अब जैसे दोस्तों यहां पे हम वाट को दुगना कर दे रहे हैं, ये देखिए यहां से 2588 यहां पे हम क्लिक करेंगे और फिर हम बाइक करेंगे। तो यहां भी देखिए दोस्तों जो एम्पियर निकल के आ रहा है 10 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो दोस्तों 10 एम्पियर में जो वाट होंगे, ये देखिए 2588 वाट का जब लोड होगा 10 एम्पियर में हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, समझ गए होंगे आप इसी तरीके से कोई भी चीज़ का निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको एक गूगल से भी बता देते हैं। क्रोम पर जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है 1 एम्पियर कितने वाट होते हैं। तो गूगल पर आपको दोस्तों सर्च करना है 1 एम्पियर में कितने वाट। तो यहाँ पे देखिए आपको वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें भी दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोसेस समझाया गया है, यहाँ पे बड़े ही आसानी से आप देख सकते हैंगे। ये देखिए 250 वाट में 1 एम्पियर होता है। तो आपने देखा और 1 एम्पियर के बराबर ही होगा 200, 250 तो 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में 250 वाट भी होते। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।